गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वेलकम टू एस आर एस आई एस एंड लॉ अकेडमी आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है तो जो आज की हमारी क्लास होगी वो सी आई सी ए के बारे में होगी सी आई सी ए क्या है कॉन्फ्रेंस ऑफर इंट्रैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो आज की जो हमारी क्लास है वो इसके बारे में तो देखते हैं ये जो सी आई सी ए जो है ये न्यूज़ में क्यों है तो रिसेंटली जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने मीटिंग जो है वो अटेंड की है सिक्स समिट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया कहा इंडिया जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सी आई सी ए इसका फाउंडिंग मेम्बर uh, रहा है ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन इंटरक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया सी आई सी ए का जो फाउंडिंग मेंबर जो है इंडिया वो है उसके अलावा देखते हैं सी आई सी ए के बारे में सी आई सी ए इज एन इंटर गवर्नमेंटल फॉरम एमड एट स्ट्रेंथिंग स्ट्रेंदनिंग रीजनल कॉपरेशन एंड इंश्योरिंग पीस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन इंडिया तो ये जो है एक इंटरगर्नमेंटल फोरम है जिसका एम क्या है कि जो ऑल ओवर द एशिया है वहाँ पे पीस हो पीस स्टेब्लिश किया जा सके पीस को इंश्योर किया जा सके जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जा सके और जो एशिया उसमें जो स्टेबिलिटी uh, है वो आए The ऑफ क्रिएटिंग creating the फर्स्ट was बाय voiced फर्स्ट Kazakhstan's नूर सुल्तान Nur इन Nazarbayev, in 1992. तो इसका जो आइडिया सबसे पहले 1992 में लाया गया फोर्टी सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली किनके द्वारा लाया गया खजाकिस्तान के जो पहले जो प्रेसिडेंट थे नूर सुल्तान द्वारा 1992 में उनका आइडिया लेके आया जाता है और जो उसकी जो पहली समिट होता है सी का वो होता है ठीक 10 साल बाद जून 2002 में ठीक है तो कब इसको स्टैब्लिश किया गया था स्टैब्लिश किया गया था 2002 में और जो इसका आइडिया था वो कौन लेके आए थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान नूर सुल्तान कब लेके आए थे 1992 में और कहां पे लेके आए थे फोर्टी सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तो ये जो तीन चार क्वेश्चंस जो है ये आपसे जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो इस यहां से आपके बन सकते हैं उसके अलावा यह पूछा जा सकता है कि इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है तो यस इंडिया इज अ मेंबर एंड इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स उसके अलावा इट इज द डिसीज़न द हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग ऑफ मेकिंग ऑर्गन ऑफ सी आई सी ए इज द मीटिंग ऑफ सी आई सी ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट ठीक है इसका जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो यही होती है मीटिंग ऑफ सी हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट द सीआईसीए सब इज कन्ड एवरी फोर ईयर हर साल बाद इसका जो है सबमिट uh, जो है सीआईसीए का वो किया जाता है ये देखने के लिए इन ऑर्डर टू कंडक्ट कंसल्टेशन रिव्यू द प्रोग्रेस प्रोग्रेस को रिव्यू करना एंड सेट प्रायोरिटीज फॉर सी आई सी एक्टिविटीज सी आई सी ए की जो एक्टिविटीज है उसके लिए प्रायोरिटीज है वो सेट करना द मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरन अफेयर इज रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड आफ्टर एवरी टू ईयर्स जो मीटिंग है मिनिस्टर ऑफ फॉरन अफेयर्स की उनकी जो मीटिंग है वो हर दो साल बाद होती है ठीक है जो सम्मिट है वो हर साल चा, हर चार साल बाद होता है और जो मीटिंग होती है फॉरन मिनिस्टर्स की या फॉर मिनिस्टर ऑफ फॉरन अफेयर्स की वो हर दो साल बाद होती है उसके अलावा सीआईसीए के मेंबर्स जो है उनमें कौन कौन आते हैं तो इसमें टोटल ट्वेंटी सेवन जो है एशियन कंट्रीज आती हैं जिनमें कौन कौन सी हैं एजरबाइजान बहरेन चाइना इजिप्त इंडिया ईरान इसराइल रशिया साउथ कोरिया टर्की उसके अलावा नाइन जो है ऑब्जर्वर स्टेट्स आती हैं और जो पांच है, हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं इंडिया को टू सी Cbms कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर एंड इफेक्टिव सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर और दूसरा है एनर्जी सिक्योरिटी तो इंडिया जो है इन दो uh, Cbms को जो है ये चेयर करता है कौन कौन सी एक तो है डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर एंड इफेक्टिव सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर और दूसरी है एनर्जी सिक्योरिटी उसके अलावा सीआईसीए की जो सेक्रट्रियट है वो लोकेटेड है एलमाटी में ये कहाँ पे है कजाकिस्तान में कब से है ये ये कहाँ कब से बनी हुई है ये बनी हुई है जून 2006 से ठीक है तो आज की जो हमारी क्लास थी वो सी आई सी ए के बारे में थी इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स हैं वो शेयर कर दिए जाएंगे उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी थैंक यू सो मच